चार गम में 6-6% की लोअर सर्किट भी लगते नजर आए थे। ऐसे में आपका और ज्योतिष के आधार पर आपको क्या लगता है, आज कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसे देखने को मिल सकता है? अखिलेश जी, आपका बहुत अहम सवाल है गवार सीड के ऊपर। जब गवार सीड फंडामेंटलिस्ट के खिलाफ चलने लगे, डिमांड एंड सप्लाई की गणित बिगड़ने लगे, तो इसमें जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज बहुत तेजी से हावी हो जाती हैं, और जब स्पेकुलेटिव गतिविधियां बहुत तेजी से हावी हो जाती है तो उस समय बाजार को शांतिपूर्वक देखना ही उचित रहेगा, क्योंकि जब स्पेकुलेटिव गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, वो काफी तेजी से दिखाई दे रही हैं, और 6-6% के सर्किट उन कमोडिटीज में लग रहे हैं जिनका फिजिकल ग्राउंड के अंदर माली उपलब्ध नहीं है, तो वो एक तरफ से एक छुपा इशारा जरूर करती है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, और ये भी मेरा एक डाउट है कि ये लगातार फेल कर रहे हैं, और लेकिन जब डिलीवरी देने का समय आएगा तो उस वक्त क्या होगा, क्योंकि जहां तक डिलीवरी का सवाल है, अफवाह और र्यूमर और न्यूज अलग अलग तरीके से बाजारों के अंदर फैली हुई है। गवार सीड को लेके किसान हो या कारोबारी हो, एक बड़ा दिमाग में उनके बड़ा प्रश्न है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा और अब क्या होगा। फंडामेंटल मजबूत है, लेकिन स्पेकुलेटिव एंड फटोरियों की गतिविधियों की वजह से बाजारों के अंदर गिरावट दर्ज हो रही है, तो इस समय थोड़ा शांति से बैठना बेहतर उचित रहेगा। जी अखिलेश जी। जी,